1993 में जन्मे शुभदेव सिंह सिद्धू ने अपना मंच का नाम मूसेवाला अपने गांव मूसा पर रखा। कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ते हुए भी उसे म्यूजिक का ऐसा बुखार था कि कहीं भी अचानक गाना शुरू कर समा बांध देता। अपना पहला ही गाना उसने बिना लाइसेंस के गन चलाने वाले शूटर्स के रॉप पर लिखा। फिर पंजाब हरियाणा के कई युवाओं की तरह जो फॉरेन जाने का सपना देखते हैं, उन्होंने भी 2017 में कनाडा जाकर रैपिंग शुरू की, बंदूकों, फैंसी कारों, लड़कियों और यहाँ तक कि अपनी जट जाति पर भी। लेकिन लगभग एक साल बाद ही वो भारत लौटे ताकि गांव के सरपंच चुनाव में अपनी माँ के लिए प्रचार कर सके, जिसकी मदद से वे जीते भी। लंबे समय तक उसकी YouTube चैनल की प्रोफाइल पिक्चर में काले कपड़े पहने एक डाकू जैसा बंदा AK-47 असॉल्ट राइफल पकड़े अपने चेहरे को मास्क से छिपाए हुआ था। 2020 में उनके गानों ने लगातार कानून को निशाना बनाया, जिसमें पंज गोलियों के लिए उन पर केस भी ठोका गया, बंदूक और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, और गाना संजू के लिए भी। जिसमें उन्होंने खुद की तुलना बॉलीवुड स्टार संजय दत्त से की और उन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस होने पर गर्व भी जताया। और हालांकि सिद्धू ने कोविड जागरूकता के लिए गाना गाकर पंजाब पुलिस की मदद की, बाद में वो उन्हीं के AK-47 से फायरिंग रेंज में निशानेबाजी करते गुलछर्रे उड़ाने के केस पर बुक किए गए। फिर भी दाद देनी होगी सिद्धू के संगीत के प्रति जुनून की उनकी, जो 28 की उम्र में 3 एल्बम बनाए और 60 से ज्यादा गाने अकेले गाए। म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस रैपर बोहेमिया और राजा कुमारी के साथ भी उन्होंने जुगलबाजी की और एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी इकट्ठा की और पैसा भी। खुद कुल 31 करोड़ के मालिक थे और परिवार के पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गजों ने भी उसे माना, जब UK के प्रसिद्ध अखबार द गार्डियन ने उन्हें टॉप 50 नए कलाकारों की सूची में डाला उनकी आवाज को दमदार सुरीली बताते हुए। विडंबना यह है कि मौत ने उसकी शोहरत को और भी बढ़ाया। हाल ही में अमेरिकी बिलबोर्ड ग्लोबल 200 चार्ट में जगह बनाने वाले वे पहले पंजाबी कलाकार बने। लेकिन शोहरत के साथ खतरे भी आते हैं। उसे वसूली के लिए लगातार धमकियां आई लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगों से, जिसके 700 सदस्य भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैले हुए हैं। बिश्नोई और ऐसे कई गैंग्स पंजाबी गायकों को नियमित रूप से पैसों के लिए निशाना बनाते आए हैं, जो पंजाब में अब एक बड़ा कारोबार जैसा बन गया है। क्योंकि अमीर पंजाबी संगीतकारों की इंडस्ट्री गैर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का आधे से ज्यादा हिस्सा रखता है। जब अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, तब 2017-22 के बीच पुलिस ने 8 गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया और 300 को जेल में बंद करवाया था। सख्ती इतनी थी कि मजबूरन कई गैंग्स के टॉप लीडरों को नकली पासपोर्ट पर कनाडा, आर्मेनिया, दुबई या पाकिस्तान भागना पड़ा, जहां से वे अपना गैंग चलाने लगे। जब सिद्धू कनाडा में था, तो वो बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों की वसूली धमकियों से बच पाया। लेकिन भारत में बात बिगड़ी जब शोर मचा कि मूसेवाला बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बम्बिहा गैंग के गुंडों को छिपाने में हाथ था, जिन्होंने युवा अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की पिछले साल अगस्त में हत्या की, जो पंजाब राजनीति के अंदर बिश्नोई का जिगरी प्यादा था। कई सालों से बिश्नोई और बम्बिहा ने एक दूसरे के गुंडों को उड़ाते हुए गैंग वॉर जारी रखी है, लेकिन अहंकारी सिद्धू के बम्बिहा बोले गाने ने बिश्नोई को और भड़का दिया। इशारे में उसके दुश्मन दविंदर बम्बिहा की तारीफ करके। हालांकि भारत लौटने के बाद सिद्धू के गानों ने एक नया मोड़ लिया जब वे अपने ग्रामीण जड़ों से फिर जुड़े। उन्होंने पंजाबी लोक संगीत रैप में मिक्स करते हुए शिक्षा की जरूरत पर बात की और खेती बाड़ी पर, दोनों विषय जो पंजाबी गांव वालों के लिए सबसे बड़े थे, जैसे तिब्बिया द पुत रेत के टीलों का बेटा गाने में। वे अपने गानों से किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले पहले गायकों में से एक बना, बिना हिचकिचाए राजनीतिक पंक्तियां लिखी और फिर विवादों के घेरे में और टपके, जब गोल्डन टेंपल पर हमले के खिलाफ और खालिस्तान के पक्ष जैसे विषयों पर उन्होंने रैप किया।